दोस्तों मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी नाजो 30 प्रो में आप OTG कनेक्शन को कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में जाने को दोस्तों आपको नीचे आना, आप देखते हैं यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स की ऑप्शन मिल जाएगी आपको, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर OTG कनेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर हम यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। ये मतलब आपका जो OTG कनेक्शन है वो इनेबल हो चुका है, तो यहीं से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों अगर आपने इसे अनेबल ऐसे कर दिया और इसके बाद आप 10 मिनट तक इसे यूज़ नहीं करेंगे, मतलब OTG कनेक्शन आप यूज़ नहीं करेंगे जो भी आपने यूज़ करना था 10 मिनट तक, तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसे फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो इसे आपको 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर यूज़ कर लेना है।